हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और अभी जो है हो रहा है 11:30 का टाइम हो रहा होगा। मॉर्निंग वाला सारा काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह बना के मैंने सबको दे दिया है। सब लोग जा चुके हैं, यहाँ पर कुछ फल वगैरह आए थे तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है, इनको धुल लेते हैं क्योंकि अभी को हमने सुला दिया है। और ठंड के मौसम में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अभी सो गए हैं। अभी उसके पहले मैं ये सारा कुछ फल वगैरह धुल के रख दूँगी, फिर जो है थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह कट करके मुझे रखनी है क्योंकि शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। दोपहर में जो है अभी कुछ थोड़ा बहुत बनाऊँगी मैं, क्योंकि अभी भी खाएंगे, मैं भी खाऊँगी। तो दोपहर में जहाँ तक दाल चावल बनाती हूँ, और भुजिया भी बन जाती है कभी कभी, क्योंकि अभी को भुजिया रोटी और दाल देती हूँ, चावल मैं उसको नहीं देती हूँ। तो सोच रही हूँ मैं दाल चावल और दाल रोटी भुजिया बना लूँ, और शाम को दाल भुजिया हो जाएगा, फिर चावल वगैरह बना दूँगी तो शाम का भी खाना हो जाएगा। तो भी देखते हैं, बस अभी ब्लॉग की शुरुआत कर ली है मैंने। आप लोग को ब्लॉग्स में एंड तक बने रहना है। और बस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में मैं क्या क्या करती हूँ वही सारा कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छे से कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं इनको साफ कर अच्छे से मैंने धुला, उसके बाद पोंछ के मैं एक डब्बे में रख रही हूँ। डब्बे मतलब टिफिन टाइप का है बड़ा सा, क्योंकि फ्रिज में रखेंगे नहीं क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और नुकसान भी करेगा क्योंकि ठंड का मौसम भी है। तो इसको मैं बाहर ही रख दूँगी, तो जिसका मन करेगा वो अपना खाता पीता रहेगा और ख़त्म भी हो जाएगा। नहीं तो फ्रिज में रखा रहता है ना, तो क्या होता है कि वहाँ तक हम लोग का ध्यान ही नहीं पहुँच पाता और ये सारे फल जो है रखे रह जाते हैं। अगली बार आया था ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि उतना ध्यान ही नहीं जा पाता है। फ्रिज खोलते हैं तभी याद आता है कि हाँ फल रखा है। और वो सब धुलने के बाद यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि अभी भी उठ चुके हैं तो मैंने सोचा फटाफट पहले उनको कुछ खिलाते हैं। मॉर्निंग में वैसे मैंने उनको खिलाया था, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग तीनों टाइम खाते हैं भूख लगती है, वैसे छोटा सा बेबी है वो बता तो सकता नहीं, लेकिन हाँ भूख उसको भी लगती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और जो है आज मैं सूजी का हलवा ना दूध में बनाने वाली हूँ। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। हमेशा हम लोग पानी ऐड करते हैं ना, आज मैं दूध से बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी तो उसमें दूध ऐड करके बना रहे थे। तो देखते हैं, और अभी तो मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ लेकिन मैं हलवा खा चुकी हूँ। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा यमी बना था, बहुत एकदम दानेदार हलवा बना था। देखिए मैंने दूध ऐड कर दिया है, पानी मैं नहीं ऐड करूँगी, तो बस ऐसे ही हलवा बनाने वाली हूँ। और बहुत ही मस्त बना था, और मेरे बच्चे के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, तो अगर वो खा लेगा तो अच्छा ही है। लेकिन वो मीठा उसको ना बहुत ज़्यादा कम पसंद है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा चलो आज हलवा ही बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया है सूजी का हलवा, एकदम दानेदार बना है, और आज फर्स्ट टाइम मैंने दूध डालकर बनाया है तो बहुत यमी लग रहा है खाने में। और मैंने चखा, अभी ले जा रही हूँ अभी के लिए। ट्रेन खड़ी है तो थोड़ी सी आवाज़ जो है हो सकता हो क्लियर ना आए। फर्स्ट बाइट हलवे की, बहुत ही अच्छा बना है, और गरम गरम मैंने तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा था हलवा खाने का, अभी भी खाते हैं। तो चलिए उनको खिलाते हैं और उसके बाद फिर जो मिलते हैं आप लोगों से। चलिए दिखाते हैं मेरा क्यूटी सा बच्चा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही है, और अब इनको हलवा खिला के फिर मैं सुला दूंगी क्योंकि अभी इनके सोने का टाइम भी हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और अभी हो रहा है रात का टाइम, तो मैंने भिगाया था राजमा, और मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। तो यहाँ पर मसाला मेरा भुन रहा है, थोड़ा बहुत और कसर है, बाकी अच्छे से भुन चुका है। तो रेसिपी वगैरह मैंने नहीं शेयर करी है क्योंकि बहुत बार मैंने शेयर करी है। वैसे मैं जब भी बनाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ अलग अलग तरीके से बनाऊँ, तो आज का जो मैं बना रही हूँ ना वो भी एकदम पंजाबी स्टाइल में बना रही हूँ। तो देखते हैं खाकर कैसा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा जब बनाऊँगी तो ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी।
और अभी मैं बना रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप इसकी ले लेती हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर कैसे बन रहा है। तो वैसे राजमा मुझे भी पसंद है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तीनों चारों टाइम उनको मिलता रहे ना तो वो आराम से खा लेंगे। राजमा हुआ, छोले हुआ, आलू की कोई भी सब्ज़ी हुई, आलू की ऑल ऑल टोटल कोई भी सब्ज़ी हो, किसी भी तरीके की बनी हो, हरी मटर की हो, तो वो कभी ना नहीं करेंगे। अगर दाल चावल ये सारा कुछ हुआ, हरी सब्ज़ी में कुछ हुआ ना, तो पक्का खाने वाले नहीं हैं। तो बस इसलिए जो है मैं कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पर राजमा देखिए मेरा तैयार है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि ये पक चुका है वैसे भी, तो ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना है मुझे। गाढ़ी ग्रेवी जो है ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसके साथ चावल मैंने बना दिया है और रोटी बना दूँगी, बस हो जाएगा। वैसे राजमा चावल बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना और उसके बाद ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल।